बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, भाजपा सरकार जिंदाबाद। नेताजी नारेबाजी क्यों हो रही है, प्रदर्शन इसलिए हो रही है, अंजरौंदा गांव के दौलताबाद के लोग हैं और जिनका 20 बी के अंदर जो है कि सेक्टर 20 में इनकी जमीनें गई हैं। अच्छा। और आज तक इनको मुआवजा नहीं मिला और ये बहुत दिनों से परेशान है। सरकार कोई ना कोई झूठी नारेबाजी इनको झूठी बातें कहती रहती है। आज 6 साल हो गए भाजपा सरकार को बने हुए और इनको संघर्ष करते हुए इनका मुआवजा नहीं मिला और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नहीं मिला है, उसके आदेश के बाद भी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं दे पा रहे। आज ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन दिया गया? यही दिया गया अभी हमारा मुआवजा दिया जाए, जल्दी से जल्दी दिया जाए। मजदूरी में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा हमें। अच्छा। और इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए हमें सरकार ने मजबूर किया गया है। हम बार बार डीसी साहब के पास, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा के पास, पंचकुला कमिश्नर के पास बार बार चक्कर लगाए हमने 1.5 साल से, लेकिन इस सरकार में कोई भी सुनने वाला नहीं है। किसानों का इतना बुरा हाल है, काफी लोग हमारे जा चुके हैं दुनिया छोड़ करके, एलआर बनाते बनाते पूरा गांव थक चुका है, लेकिन कई कई पीढ़ी निकल गई है, लेकिन इन लोगों पे फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। रोज सरकार घोषणाएं करती है, किसानों को इतना पैसा, किसानों की ये मदद, किसानों की वो मदद, एक झूठा प्रचार करके और हमारे किसानों को मजबूर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन के लिए, और हमारे लोग छोड़ छोड़ करके ऊपर परमात्मा के पास सुरक पधार रहे हैं। ये मुआवजा कब से बाकी है? ये हमारा 2012 से और 2019 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जहाँ से हम 11 मार्च 2019 को हम केस का डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट में, तभी से हम इनके पास 1.5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये कोई आश्वासन नहीं दे रहा हम पैसे दे देंगे। कितने किसान प्रभावित हैं इसमें? कम से कम 500 किसान प्रभावित हैं दौलताबाद और हरियाणा। और मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? एक और सबसे बड़ी क्लू है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें कुछ किसानों के आज से 1.5 साल पहले ही इन लोगों ने पता नहीं किस तरह से दिए हैं, 8 किसानों को पैसे दिए हैं। 8 किसानों को पैसे देने के बाद में इन लोगों ने मुआवजा रोक दिया गया और उसके बाद आज तक हमें एक भी आदमी को मुआवजा नहीं मिला। मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेगी आप? माने नहीं, हमारे पास मजदूर के पास है ही क्या, किसान के पास? धरना प्रदर्शन हम स्टेट लेवल पे करेंगे और हरियाणा सरकार की बूंदी बहरी सरकार को जगाएंगे। क्या नाम है आपका? हरी सिंह सैनी, गांव अजरौंदा से, जो कि मुआवजे के लिए जो आज हमने सम्मति बनाई है उस संघर्ष के लिए आज लड़ाई लड़ने के लिए आज तैयार हो गए और गांव गांव से किसानों को जागरूक करेंगे और सबको एकत्रित करेंगे कि अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़े। ये सरकार जितनी निकम्मी है उतनी बेईमान भी है। फिर भी आपने ज्ञापन दिया है, क्या आपको भरोसा है? भरोसा है, लेकिन अपने संघर्ष की लड़ाई तो लड़ेंगे। बिल्कुल। इन अफसरों को अपना विज्ञापन दे करके जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया आपके पक्ष में, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके पेपर तैयार कर रहे हैं हम, और पेपर तैयार करने के बाद में आपका मुआवजा ऑनलाइन आपके खाते में चला जाएगा। तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इनके खिलाफ जा सकते हैं? जा सकते हैं। सुनो, कंडेम कोर्ट, कंडेम कोर्ट होगा, कंडेम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हमने लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया हमारे को कि आपका हमारा जो ऑर्डर है उसको सेशन कोर्ट इम्प्लीमेंट करेगा और इसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट में आप दरखास्त लगाओ, सुप्रीम कोर्ट की नकल लगा, ये उन्होंने ऑर्डर किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
से खड़े रहो सभी, थोड़ा दूर से खड़े रहो, थोड़ा पीछे का पीछे का थोड़ा पीछे का बंद हो जाओ, दूसरी पूरी बनाओ भाई, डिफेंस करो पीछे यहां पे। मेरा नाम अमर सिंह मलिक है, अतरों का गांव से हूँ और हमारी जमीन का जो मामला है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी हमें नहीं दिया जा रहा। हम बी सी साहब से दो तीन बार मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है हमें, जो कि इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि तो एक महीने के अंदर आपकी पेमेंट हो जाएगी। उन बातों को करते करते भी आज हमें डेढ़ साल निकल गया इस तरह से करते करते। ग्रीवेंस कमेटी में भी हम गए, वहाँ भी हमने अपनी बात रखी। दुष्यंत चौटाला जी के टाइम में दो बार ग्रीवेंस मीटिंग में गया मैं, वहाँ ये बात रखी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी पेमेंट एक महीने के अंदर कर दी जाएगी। जब उन्होंने कहा कि मैंने फोन कर दिया, जी साहब भी वहाँ बैठे थे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी वहाँ बैठे थे, सभी के सामने कमिटमेंट की गई थी और दोनों ऑफिसरों ने ये वादा किया था कि हम एक महीने के अंदर आपकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन एक महीने का इतना लंबा समय बीत गया, मजबूरी में हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ, और हमारा जो मुआवजा है वो हमें दिया जाए या फिर हमारी जमीन जो खाली पड़ी है हमें वापस दिया जाए, हमें किसी तरह से भी एतराज नहीं है। सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी जमीनें जो खाली पड़ी हैं हमें वापस दी जाए। जिन भाइयों के मकान बने हुए हैं इन्होंने कब्जे कर रखे हैं, मतलब कब्जे नहीं, उनकी अपनी संपत्ति पे बैठे हुए हैं, मुआवजा नहीं लिया उन्होंने, उनके कोई हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अगर इनके पास मुआवजा नहीं है तो हमारी दरखास्त सरकार से कोई केस विड्रॉ किए जाए, उन लोगों को ना उजाड़ा जाए, उनको वहीं बसाया जाए। तो ये जो है हमारी कुछ मांगे हैं। चंडीगढ़ भेजते हैं।